ज्वाइन किया एक ट्राइंगल ये बन गया ऐसे ही यहाँ पे हमें एक डी पॉइंट दे रखा है दिस इज डी और डी से बी को भी ज्वाइन करना ठीक है ये हमें क्या दे रखा है दे रखा है ए बी सी डी आपको फिगर जो बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्केल बनानी है और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए उसके साथ बोला है ए सी इक्वल्स टू ए डी दिस इज ए सी दिस इज ए डी कट का मतलब होता है सेम कट लगाया आपने इट मीन बोथ द साइड्स आर इक्वल ठीक है एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए ए बी देखे दिस इज ए बी ये वाली लाइन ए बी है यहाँ से यहाँ तक ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है दिस इज एंगल ए बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सो दिस एंगल एंड दिस एंगल वुड बी इक्वल मैंने कट लगा दिया कि इट मीन ये दोनों इक्वल है शो दैट क्या शो करना है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी दिस इज ट्राइंगल ए बी डी तो हमें क्या प्रूव करना है ट ये साइन याद है ना दिस साइन इज फॉर द कांग्रुएंसी कि हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी इसके बारे में क्या बोल सकते हैं बी सी एंड बी डी तो ये तो बाद की चीज है पहले क्या प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी पार्ट प्रूव करेंगे अगेन द वे ऑफ राइटिंग शुड बी एग्जैक्टली सेम लाइक द लाइन्स एंड एंगल सबसे पहले आपको क्या लिखना है गिवन जो भी चीज आपको गिवन है वो लिखनी है अगेन आई एम रिपीटिंग गिवन टू प्रूव एंड द फिगर अगर थ्री मार्क का क्वेश्चन है तो आपको वन मार्क मिल जाएंगे अगर टू मार्क का क्वेश्चन है यू विल गेट जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स और ये सारा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको इसके लिए कोई माइंड ही यूज नहीं करना है तो गिवन क्या है हमें जो जो गिवन है वो लिख देते हैं गिवन हमें क्या क्या था एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है उसके साथ हमें क्या गिवन है क्या गिवन है हमें हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है ए सी इक्वल्स टू ए डी ये हमारी फर्स्ट पार्ट हो गई एंड और क्या दे रखा है ए बी बाई सेक्स एंगल ए ए बी बाई सेक्स एंगल ए इसका मतलब क्या है एंगल जो भी बाइसेक्ट एंगल को कर रहा है तो उन एंगल वो एंगल्स इक्वल होंगे देर फोर एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी ठीक है इसको मैंने फर्स्ट नेम दे दिया इसको मैंने सेकेंड नेम दे दिया यही गिवन था ये हमने लिख दिया है उसके बाद बात आती है टू प्रूव की टू प्रूव हमें क्या करना है वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोए टू ट्राइंगल ए बी डी इन दोनों को कांग्रोए प्रूव करना है ठीक है अब स्टार्ट होता है प्रूफ कंस्ट्रक्शन की तो कहीं जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है अब हमें पता है प्रूफ के लिए हमें क्या करना है जिन दोनों ट्राइंगल पे बात करनी है उन दोनों ट्राइंगल को लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी हमने कौन कौन से क्राइटेरिया करे हैं एस ए एस और ए ए एस तो अब देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे दे रखा है ए सी इक्वल्स टू ए डी कैसे आया बाय वन या फिर गिवन आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है ऐसे ही एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी ये भी हमें क्या है गिवन यानी कि बाय टू मैंने लिख दिया ठीक है अब हमें क्या चाहिए एस एस रूल के लिए हमें एक साइड चाहिए और ए एस ए रूल के लिए हमें एक एंगल चाहिए अब देखें इसमें हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास है एक साइड अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास कौन सी साइड है एक साइड है जो कि दोनों में इक्वल दे रखी है कौन सी साइड दैट इज द ए बी साइड ए बी साइड अगर आप देखो तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है कॉमन है इट मीन्स क्या होगी इक्वल होगी ऑब्वियसली ए की लेंथ है तो वो इक्वल ही होगी ना तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी एंड कॉमन ठीक है ये आपको ध्यान रखना है आपको कॉमन दे रखा है तो इसलिए उसको कॉमन लिख दिया अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है अगर यहाँ पे ए बी है तो ए बी होना चाहिए इधर ए सी है तो ए डी होना चाहिए देखो ए सी है तो ए डी है ए बी है तो ए बी है आपको वही सीक्वेंस फॉलो करनी है जो ट्राइंगल में पूछा जाए अपनी तरफ से सीक्वेंस नहीं लेना है ए बी सी को यहाँ पे जैसे यह ट्राइंगल ए बी सी है और इधर ट्राइंगल ए बी डी है तो इसको अपनी मर्जी से ए डी बी नहीं कर देना है वो गलत हो जाएगा जो दे रखा है वही आपको लेके प्रोसीड करना है अब देखो आप देखोगे दिस इज साइड दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड और अगर हम फिगर से देखें तो हमारे पास क्या आ रही है वही साइड है साइड एंगल साइड ठीक है साइड एंगल साइड तो एंगल जो है दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है तो इट मींस हमारे पास कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल आएगा एस देयरफॉर एस एबीसी फोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी रीजन में आप क्या लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ठीक है ये ध्यान रखना है दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे हो गया ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट अब कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाता है तो हमें क्या पता है कि सारे पार्ट इक्वल होते हैं ठीक है हमें कौन से पार्ट पे बात करनी है हमें बात करनी है बीसी और बी डी पे दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट है तो इसमें क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे एंड बीसी इक्वल टू बी डी रीजन क्या आ जाएगा बाय सी पी सी टी शॉर्ट फॉर्म याद है कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सॉरी इक्वल पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्राइंगल ठीक है सीपीसी टी की फुल फॉर्म क्या हो गई जो हमारे कॉन्ग्रुएंस पार्ट हैं वो इक्वल होंगे क्राइटीरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ठीक है क्राइटीरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी तो सीपीसी टी से हमारे पास क्या हो गए इक्वल हो गए सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है दिस वन एंड दिस वन तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ठीक है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी दैट बी सी एंड बी डी आर इक्वल ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज ए बी सी डी इज़ अ क्वारिलेटरल ए बी सी डी कोई क्वारडिलेटर है तो बना लेते हैं फिगर आपको ऑलरेडी दे रखी है ठीक है दिस इज़ द क्वारिलेटरल यहाँ पे ए से डी ये ए डी हमें दे रखा है साथ में यहाँ पे कोई बी पॉइंट है दिस इज बी और यहाँ पे कोई सी पॉइंट है हमारे पास सो दिस इज़ सी ठीक है डी से सी को ज्वाइन कर दिया ये क्वार्डिलेटर ऐसे दे रखा है साथ में बी से डी को ज्वाइन किया हुआ है और ए से सी को ज्वाइन किया हुआ है ठीक उसके बाद जो जो दे रखा है फिगर में वो पढ़ते हैं इन विच ए डी इक्वल टू बी सी ए डी बी सी कट लगा दिया एंड एंगल डी ए बी डी ए बी सो दिस इज द एंगल दिस वन एक सी बी ए सो दिस इज द एंगल ठीक है जो पिंक में मैंने मार्क किया वो दोनों एंगल इक्वल है और जो ब्लू में मैंने कट लगाया है वो दोनों लाइन इक्वल है ठीक है ये ये गिवन में आ गया ये सब कुछ प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी ए बी डी तो ए बी डी मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको ताकि आपको दिखने में इजी रहे दिस इज ए बी डी ये ट्राइंगल हो गया ए बी डी जो मैंने येलो से मार्क किया है दैट इज ए बी डी ठीक है सेकेंड ट्राइंगल क्या है बी ए सी बी ए सी तो ये हमारा क्या होगा बी ए सी तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है आपको दिख गया होगा हाईलाइट करने से ये पार्ट हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया ठीक है ये पार्ट दोनों में कॉमन है और फिर देखते हैं कौन सी साइड और क्या इक्वल है क्या दे रखा है वो चीज़ आपको यूज़ करनी है अब दोनों ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमें क्या दिखा कि ये जो ए डी लाइन है और ये बी सी लाइन है ये इक्वल है दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है बस हमें क्या चाहिए थर्ड साइड चाहिए जो कि दोनों एंगल्स को कवर करती है ध्यान से देखें साइड एंगल तो कौन सी साइड होनी चाहिए दिस साइड ए बी ये होना चाहिए हमारे पास अब मैं बात करती हूं दूसरे ट्राइंगल में साइड दिस इज साइड एंगल तो कौन सी साइड चाहिए ए बी चाहिए अब आपको दिख रहा हो तो ए बी साइड दोनों में कॉमन है हमारे पास बस तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी रूल तो यही हमें लिखना है तो अगेन क्वेश्चन हमारा क्या हुआ फिगर से सॉल्व हो गया यहाँ पे लिखते हैं गिवन सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास गिवन जो भी गिवन है वो आपको लिखना होता है गिवन में हमारे पास क्या गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए गिवन हो गया गिवन के बाद हमारे पास आता है टू प्रूव टू प्रूव का मतलब जो जो हमें प्रूव करना है लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी दिस इज फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इज बी डी इक्वस टू सी ए सी वो बाद में देखेंगे नंबर थ्री इज एंगल ए बी डी इक्व टू एंगल बी ए सी तो पहले कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पे बात करते हैं फिर जो गिवन जो टू प्रूव में है वो सब देखते हैं अब आ जाता है प्रूफ हमारा प्रूफ कहां से स्टार्ट कर रहे हैं जिस ट्राइंगल पे बात करनी है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी इन्हीं दोनों ट्राइंगल पे बात करनी है ए बी डी कौन सा हुआ जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है मैं लिख रही हूं इधर और बी ए सी क्या है जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ ठीक है क्लियर यहां तक अब ए डी बी में क्या दे रखा है सबसे पहले ए डी ए डी और इधर से क्या दे रखा है मुझे बी सी ठीक है ये क्या हो गया गिवन दूसरा क्या गिवन एंगल डी ए बी इक्वस टू एंगल सी बी ए ये भी क्या हो गया गिवन थर्ड साइड हमने फिगर से देख ली कौन सी कॉमन है ए बी इक्व टू इधर से बी ए और ये क्या है कॉमन है ठीक है अब देखें सारे पार्ट्स इक्वल हैं इधर ए डी है ए डी का मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास ए डी तो इधर क्या होना चाहिए बी सी तो देखो ए डी और बी सी है मतलब करेक्ट है डी ए बी पहले डी फिर ए फिर बी तो यहां होना चाहिए सी बी ए डी ए बी सी बी ए मतलब ठीक है सारे पार्ट्स इधर है ए बी और इधर होना चाहिए बी ए ए बी इक्वल टू ए बी लिखो या ए बी इक्वल टू बी ए लिखो ए की बात है तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आया ए बी और ए बी और बी ए क्या है इक्वल है? होते हैं ठीक है तो इसलिए क्या हो गया कॉमन पार्ट हो गए सारे पार्ट एक दूसरे को करेस्पॉन्ड कर रहे हैं टू कौन सा रूल बना कॉन्ग्रुएंस रूल ठीक है साइड एंगल साइड और जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है हो गया कॉन्ग्रुएंसी रूल अब कॉन्ग्रुएंसी रूल के बाद हमें क्या प्रूव करना था बी डी इक्वल्स टू ए सी एक चीज आप ध्यान रखना कि जो आपको बाकी पार्ट्स प्रूव करने होते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो फिगर देखने की जरूरत नहीं है आप जो ट्राइंगल आपने प्रूव किया है उसी से बात करो हमें क्या प्रूव करना है बी डी एंड ए सी बी डी ये बी डी है तो यहाँ क्या होना चाहिए ए सी क्या दोनों पार्ट्स हैं इसके इक्वल होंगे तो हम क्या लिखेंगे देयर फोर बी डी इक्वल्स टू ए सी रीजन में क्या आ जाएगा बाय C.P.C.T. C.P.C.T. means corresponding parts of congruent triangle. First हो गया ये second हो गया थर्ड में क्या बोला है एंगल ABD, अब रीड करना शुरू करो ए बी डी तीनों आ गए तो इधर आना चाहिए बी ए सी यही प्रूव करना है देखो तो इट मीन्स ये भी क्या होगा सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी रीजन बींग बाय सी पी सी टी फिगर से आप देखना चाहो आप फिगर से देख सकते हो बट इट वुड बी बेटर जो आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कर रहे हो वो आप क्या देखो जो ट्राइंगल प्रूव किए हैं उससे देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इक्वल होंगे अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज ध्यान से देखते हैं ए बी एंड बी सी ए बी नहीं सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है ए डी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है ए डी ठीक है ए डी एंड बी सी आर इक्वल पर पेंडिकुलर देखें दिस इज ए डी एंड दिस इज बी सी ये दोनों इक्वल है पर पेंडिकुलर मतलब पर पेंडिकुलर है हमने ऑलरेडी पर पेंडिकुलर साइन लगा दिया है फिगर में टू अ लाइन ए बी शो दैट सी डी इंटरसेक्ट ए बी सी डी इंटरसेक्ट ए बी का मतलब है ये जो ओ पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो दो इक्वल पार्ट क्या बने ओ से बी तक और ओ से ए तक मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए अब इक्वल हम कैसे प्रूव करने करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ट्राइंगल खुद चूज करना है देखो एक ट्राइंगल बनेगा मेरे पास ये और एक बनेगा ये कैसे इसमें ये दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है 90 हमें दे रखा है साइड्स हमें दे रखी हैं तो हमें तीन चीजें मिल गई हमें बस उनको रीअरेंज करना है कि साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड कौन सा रूल लगता है ठीक है दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों क्योंकि इसमें ट्राइंगल आपको खुद चूज करना है बाकी ईजी है कुछ भी नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं फिर लिखते हुए जाते हैं क्या लिखा हमने यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन सा ट्राइंगल है सबसे पहले आएगा गिवन गिवन लिखते हैं गिवन में हमारे पास क्या आएगा जो जो आपको गिवन है वो आप लिख दो अगर आपको पता है कोई साइड इक्वल है या कोई एंगल इक्वल है तो वो हम लिखेंगे यहाँ लिखा हमने ए डी इक्वल टू बी सी गिवन था हमें दूसरा हमें क्या पता था ए डी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है ए डी पर टू ए बी ठीक है ए बी पर टू ए डी बोले या AD परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू ए बी बोले एक ही बात है तो यहां से मेरे पास क्या आ गया एंगल ओ ए डी टू डिग्री ठीक है सेकेंड में यहाँ से बोलती हूँ बी सी किस पे परपेंडिकुलर है ए बी पे तो बी सी परपेंडिकुलर ए बी दिस इंप्लाइज एंगल ओ बी सी इक्वल टू नाइंटी डिग्री ठीक है जो ये मैंने 90 मार्क कर रखे हैं ये एंगल हमने लिख दिए सब गिवन में आ गया अब आ जाता है टू प्रूव ठीक है टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है सी डी इंटरसेप इट मीन्स और ओ बी इक्वल टू ओ ए ये हमें प्रूव करना है तो हमने लिख लिया ओ ए टू ओ ये हमारा टू प्रूव हो गया मेन हमें इस पे टारगेट करना है अब देखते हैं प्रूफ प्रूफ में अब मेरे को क्या क्या पता है वो सारी चीजें लिख लेते हैं पहले ट्राइंगल ले ले कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं अब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है एओडी और बी ओ सी ये दोनों ट्राइंगल लेने तो लिखते हैं इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल एडी ठीक है बी ओ सी में क्या पता है यहाँ पे हमें पता है बी सी इक्वल टू ए डी ये क्या हो गया गिवन दूसरा क्या पता है एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी नाइन्टी डिग्री और किसके क्या है रीजन गिवन ठीक है अब देखो साइड BC एंगल 90 ठीक है अब हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा मैं दिखा रही हूं आपको दिस इज द साइड दिस इज द एंगल बट ये साइड तो हमें प्रूव ही करनी है तो ऐसे एस रूल तो नहीं बनेगा तो दूसरा रूल क्या बन सकता है अगर मेरे पास यहां से कोई भी एंगल आ जाए चाहे ये सी वाला एंगल आए चाहे ओ वाला एंगल आए तो इक्वेलिटी आ सकती है अब सी वाले एंगल में तो कुछ नहीं दिख रहा बट ओ वाले एंगल में दिख रहा है मेरे को ये एंगल है इस एंगल से कनेक्टेड है और हमें दोनों ट्राइंगल ही कनेक्ट करने हैं तो क्यों कनेक्टेड है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो हम ये क्या लिखेंगे यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल है लिखें यहां पे एंगल कौन सा एंगल लिया है हमने एओडी और इधर से बीओ सी सो एंगल बीओ सी इक्वल टू एंगल एओडी रीजन में क्या आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्यों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बाय लाइन ए बी एंड कौन सी लाइन कट कर रही है सी डी ठीक है दोनों लाइंस कट कर रही है एबी और सी डी तो हमारे पास क्या आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया तो ये देखो आपके पास बना साइड ये बना एंगल और यहां पे भी क्या बना एंगल तो हमारे पास कौन सा रूल हो गया ए एस या फिर एस ए ए कैसे भी लिख सकते हैं हमें पता था देयर फोर ट्राइंगल बीओ सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एडी ये वाले कांग्रुएंस रूल को आप कुछ भी लिख सकते हो ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ठीक है बहुत ही ध्यान से करना है कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया नेक्स्ट क्या प्रूव करना था हमें ओ बी और ओ ए अब देखो ये तो दिख ही रहा है ओबी ओ ए सीपीसी से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा दे आर फोर ओ बी इक्वल्स टू ओ ए रीजन बींग बाय सी पी सी टी ठीक है यही हमें प्रूव करना था नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज अब क्वेश्चन नंबर फोर जो है फिगर बनाते हैं पहले उसकी एल एंड एम आर टू पैरल लाइन्स ठीक है कोई भी दो पैरल लाइन है दिस इज माई एल लाइन एंड दिस इज एम लाइन दोनों पहला लाइन्स हो गई दिस इज एल दिस इज एम ठीक है लाइन से मतलब दोनों साइड एक्सटेंड करेंगी इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस पी एंड क्यू तो दो पेयर ऑफ लाइन्स ले लेते हैं पी और यहाँ पे क्यू ठीक है इनको भी नेम दे दिया पी और ये क्यू हो गई दोनों लाइन्स हमारे पास उसके साथ क्या बोला है शो द्राइंगल ए बी सी अब ए बी नाम तो दिखे ही नहीं तो नाम लिखते हैं पहले ए दिस इज बी दिस इज सी एंड दिस इज डी ये जो पॉइंट हमारे पास ठीक है ए बी सी ट्राइंगल नहीं बन रहा तो ए से सी को ज्वाइन कर दिया तो ए बी सी कौन सा ट्राइंगल बना हमारे पास हाईलाइट करते हैं तो ईजीली दिखेगा ए बी सी ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया जो हमें क्या करना है कांग्रोट प्रूव करना है अब सेकेंड कौन सा है सी डी ए सी डी ए ठीक है ये येलो और ग्रीन का मतलब आपको इन दोनों को कांग्रोट करना है देखो इजी है बिल्कुल ही सिंपल है बस आपको क्या करना है पैरल लाइन और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगानी है साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखना है इनकी सीक्वेंस ए बी सी है तो इधर सी डी ए है इट मीन्स दूसरा कलर लेते हैं इट मीन्स ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी एंड सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये हमने कहाँ से लिखा हमने यहां से देखा इस सीक्वेंस में हमें क्या है प्रूव करना है ये आप ध्यान रखना ठीक है लिखना शुरू करते हैं गिवन टू प्रूव नाउ गिवन इज जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज पैरेलल टू क्यू इसके अलावा तो कुछ दे ही नहीं रखा ठीक है टू प्रूव टू प्रूव या फिर टू शो बोला है ना क्वेश्चन में तो आपको टू शो ही लिखना है टू शो ही लिखेंगे तो टू शो में क्या आया हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुव टू ट्राइंगल सी डी ए ये आ गया हमारा टू शो में ध्यान से देखना है जिन दोनों ट्राइंगल पे बात करनी है उन पे प्रॉपर्टीज क्या क्या लग रही हैं पहले पैरल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात करते हैं देखो हमें क्या प्रूव करना है हमारे पास ये ये एंगल्स हैं ये एंगल हुआ ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ ये एंगल साथ में ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है पैरल लाइन से तो ये सारी हमें कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं तो ये प्रॉपर्टी कैसे दिख रही है पैरल लाइन और ट्रांसवर्सल से तो लिखना शुरू करते हैं यहाँ से आया हमारा प्रूफ प्रूफ कहाँ से शुरू किया हमने एल इज पैरल टू एम एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल ध्यान से देखना एल इज पैरल टू एम एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल तो क्या आएगा एंगल ए सी बी एंगल ये ट्रांसवर्सल तो ए सी बी किसके इक्वल होगा यहां से सी ए डी के तो लिखा एंगल सी ए डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए दिस इज एंगल एंड दिस इज द एंगल ठीक है ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे उसके बाद फिर हमें क्या बोला है सेकेंड लाइन P इज पैरल टू Q एंड P पैरल टू Q है तो देखो कौन सा ट्रांसवर्सल आप ले सकते हो यहाँ पे आप कोई भी ट्रांसवर्सल ले सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया ए सी इज द ट्रांसवर्सल क्योंकि हमें उन्हीं दोनों ट्राइंगल पे बात करनी है इसलिए हमने ए सी ट्रांसवर्सल लिया तो कौन कौन से एंगल इक्वल आए एंगल बी ए सी दिस एंगल दिस बी ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल दिस दिस वन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कौन सा एंगल बना डी सी ए या ए सी डी तो यहां से लिखा एंगल डी सी ए अगेन रीजन बींग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए हमारे पास दो एंगल्स आ गए उसके बाद और कुछ दिख रहा है आपको दिख रहा हो तो ए सी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है दिख रही है ना दोनों ट्राइंगल में कॉमन तो दो एंगल आ गए और थर्ड साइड आ गई तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया कौन सा ए एस तो लिखना शुरू करते हैं कि इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी जिस ट्राइंगल में बात करनी थी एंड ट्राइंगल सी डी ए अब आपको साइड्स कॉरेस्पॉन्ड करते हुए लिखनी है सही से एंगल ए सी बी यहाँ पे देखो फर्स्ट ए फिर थर्ड वाला सी फिर सेकेंड बी तो यहाँ क्या आना चाहिए एंगल सी ए डी क्या यही है हाँ यही है सी ए डी तो ठीक लिखा हमने उसके बाद इसको इक्वेशन वन दे दो नेम इसको इक्वेशन टू दे दो रीजन में क्या आ जाएगा बाय वन सेकेंड है एंगल इधर बी ए सी बी ए सी का मतलब पहले सेकेंड तो यहाँ पहले सेकेंड फर्स्ट एंगल डी सी ए क्या ऐसे ही है ऐसे ही है तो ये क्या आ गया मतलब बाय टू थर्ड हमारे पास क्या है तीनों की ए सी साइड इक्वेस्ट टू सी ए सी लिखे सी ए लिखें वो तो एक ही होता है तो इट मीन्स ये क्या हो गया कॉम देर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए रीजन क्या आ गया बाय ए ए एस रू ठीक है यही पूछा था हमें यही शो करना था तो इट मीन्स हैंस शोर्ड प्रूव है तो प्रूव लिखना है शो है तो शोर्ड लिखना है